आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अमावस्या का रहस्य क्या है और इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में तो पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी में से है अमावस्या। अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों के मन में डर भी बैठा हुआ रहता है। वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं अमावस की रात से। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है, ये शास्त्र कहता है। तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या के दिनों में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। तो ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इनके शरीर की जो रचनात्मक जो चीजें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती है, इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल जो है अधिक बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। अभी प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% इथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% इथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। तो अगर इथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छायाचित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छायाचित्र लिया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे कि अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी और अमामासी। तो अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता है, अर्थात इसका क्षय और उदय नहीं होता है, उसे अमावस्या कहा गया है। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। तो अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है और इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं। इस दिन जो पितृगण है उन्हें आप तिल वगैरह अर्पित कर सकते हो। तो इसे जो आपकी कहा जाता है कि जो मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूरी होती है। अभी जैसे जो मुख्य अमावस्याएं हैं, जैसे भौमवती अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, शनि अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है, दीपावली अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, सर्वपित्र अमावस्या है, तो ये सब इम्पोर्टेंट अमावस्याएं हैं सारे के सारे। तो ये अमावस्या का रहस्य मैंने आपको बताया, आपको मैंने वैज्ञानिक तरीके से भी समझाया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।